होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप सबको जो ये लेक्चर्स हैं वो अच्छे से समझ आ रहे हैं. हमने न्यूट्रिशन का बहुत सारा जो पार्ट है वो ऑलरेडी कवर कर लिया है. अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हो या आप ईमेल आईडी जो मेंशन है वहाँ क्वेश्चंस पूछ सकते हो. आपको डेफिनेटली आपके आंसर्स मिलेंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस ईमेल आईडी के थ्रू हमें मिले थे तो आई होप उन सबको अपने आंसर्स मिल रहे हैं टाइम टू टाइम. एंड जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें मैं डिस्कस करूँगी एजेंसीज. बहुत सारी एजेंसीज हैं जो नेशनली एज वेल एज़ इंटरनेशनली जो वर्क कर रही हैं टूवर्ड्स फूड एंड न्यूट्रिशन. और इन एजेंसीज़ का भी मेन टारगेट यही है कि लोगों को गाइड करना कि वो लोग जो हैं उनके अंदर कोई डेफिशिएंसीज हैं या फिर उनको खाने के बारे में प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करना ताकि उनके अंदर कोई भी डेफिशिएंसीज ना हो. राइट, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स किए थे. उन न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स का भी यही रीज़न था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं. दे आर ऑल्सो डूइंग इट राइट. तो उनका भी यही टारगेट एरिया है कि लोगों को गाइड करना खाने के बारे में, बिकॉज एक अच्छा खाना खाने से ही लोगों की जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी. सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस. द टॉपिक इज नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज वर्किंग फॉर न्यूट्रिशन. तो यहाँ पर मैंने कुछ एजेंसीज की लिस्ट लिखी है. वन बाय वन हम इनके फंक्शंस डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट वन इज द NIPCCD. सो इट इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज द केयर. दिस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन and they are also doing work for the social well-being of people. Next is the FAO, Food and Agriculture Organization. Next is the NIN, National Institute of Nutrition. And the next one is the CFTRI, Central Food Technological Research Institute. हम इन पांच जो organizations हैं इन एजेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे और हम इनके बारे में ये सीखेंगे. हमें ये पता लगेगा कि कौन कौन से एरियाज के ऊपर ये वर्क कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द NIPCCD, दैट इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. सो नेम से हमें पता लग रहा है पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड child development. So overall this organization, it is working for the well-being of the people, right? For the well-being of public as well as main jo target area wo hai child development ka. Agar main is organization ki baat karun to this organization is providing various will say ki research and training programs ki jisme voluntary programs hain jinme logon ko guidance di jati hai regarding the nutrition taki wo aur logon ko bhi guide kar sake. Is organization ka jo main target area hai usme child development aur public cooperation mein nutrition ke regarding hi unka logon ko health survey kiye jate hain. Fir unko bataya jata hai ki unke andar koi deficiency, agar deficiency hai to under the various nutritional programs लोगों को गाइड किया जाता है कि वो कौन सा व्हाट टाइप ऑफ मील द पर्सन कैन हैव. सो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली. In 1966. So इसके objectives क्या हैं? Child care, child education, child health survey and to assess the you will say the health assessment as well as the behavioral changes. जो बच्चा है उसका behavior कैसा है, मदर्स का जो इफ आई से कि न्यूट्रिशन कैसा है. बिकॉज अगर कोई मैं प्रेग्नेंट वुमेन की बात करूँ, वो अच्छा खाना खाएंगे तभी जो बच्चा है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपरली होगी. तो इस ऑर्गेनाइजेशन में जो फोकस किया जाता है वो है चाइल्ड हेल्थ एंड एडुकेशन. ओवरऑल इफ आई से कि चाइल्ड डेवलपमेंट, फीडिंग, एंड थ्रू दिस
जो इस ऑर्गेनाइजेशन और इस एजेंसी का मेन और मोटिव क्या है, द प्रिवेंशन ऑफ डिफिशियंसीज स्पेसिफिकली माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बिकॉज यूजुअली एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यही दो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके कारण, जिनमें से किसी भी एक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है बच्चे में, राइट? और बच्चे का जो बिहेवियर पैटर्न है उसकी असेसमेंट हेल्थ सर्वे बिहेवियरल पैटर्न्स सर्वे जस्ट टू असेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन और स्पेसिफिकली टू मोनिटर द मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, कि बच्चे का बिहेवियर पैटर्न कैसा है. बिकॉज आजकल बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लेट सपोज कि स्कूल गोइंग छोटा बच्चा है कोई, तो उसमें उसके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. सो उन सारे बिहेवियर्स की असेसमेंट के कारण जो बच्चा है उसका सोशल वेलबींग, मेंटल वेलबींग एज वेल एज फिजिकल वेलबींग ही डिसाइड किया जाता है. सो इस इंस्टीट्यूशन का ये भी एक काम है. इसके अलावा चाइल्ड काउंसलिंग एंड गाइडेंस, तो बच्चे की काउंसलिंग और बच्चे को गाइड किया जाता है. एंड सिमिलरली पेरेंट्स की काउंसलिंग और गाइडेंस भी की जाती है. स्पेसिफिकली इफ आई विल से मदर एंड फादर की द हाउ व्हाट काइंड ऑफ फूड दे कैन गिव टू द न्यू बॉर्न बेबी, वो ताकि उसके अंदर कोई भी माल न्यूट्रिशन के रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए, उसके अंदर कोई भी डेफिशिएंसी ना आए. सो दिस इज़ अ पार्ट. मेन जो टारगेट एरिया है हमने वो समझना है. मेन टारगेट एरिया में बच्चे की डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी हो और उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो. एंड दिस इंस्टीट्यूशन और जो भी हम इंस्टीट्यूशंस करेंगे उन वो कैसे करेंगे, बाय एडुकेटिंग द पीपल रिलेटेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. द सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन इज केयर. दिस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन Care. This is an international organization they are also doing work for the well-being of the people. Specifically agar main dekhun ki kis area par target kiya jata hai for the well-being of women and children or poor people, or if I'll say because अगर मैं बात करूँ again the women and the children, women, pregnant women की अगर बात करेंगे, pregnant women की health सही रहेगी then in that case definitely the newborn baby और जो बच्चा है जिसकी growth हो रही है वो भी सही रहेगा, उसमें भी कोई माल न्यूट्रिशन के रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी. इसके साथ साथ इस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक टारगेट एरिया है कि लोगों के अमंग पीपल जो है पॉवर्टी को कम्प्लीटली वैनिश करना है एंड विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जो विमेन्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अच्छी अर्निंग्स करेंगी और उसके साथ साथ वो अपनी हेल्थ के ऊपर और अपने बच्चे की हेल्थ और अपनी पूरी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रख सकेंगी. तो इन दिस केस फोकस ऑन विमेन एम्पावरमेंट और the development or the social, mental and health, health-wise well-being of the women and the children and to completely vanish the poverty among people. लोगों को educate किया जाता है उनकी health के related and time to time health service किए जाते हैं. specifically if I'll say कि जहाँ पर जैसे due to the rain या flood prone areas हैं वहाँ पर लोगों को खाना पहुँचाना,
बाकी एजेंसीज का भी काम है. आई एम हेयर स्पेसिफाइंग कि केयर इज़ वन ऑफ द एजेंसी जो पुअर लोग हैं या फिर ड्यू टू द रेन या फिर नेचुरल कैलेमिटी के कारण कहीं कुछ ख़राब हो गया है तो उस एरिया में लोगों को प्रॉपरली मील प्रोवाइड करना ये इस ऑर्गेनाइजेशन का भी काम है. तो ये वुमेन्स की एम्पावरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की हेल्थ, इसके ऊपर फोकस करते हैं. केयर दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के इनके 6 सेंटर्स हैं. दे हैव 6 सेंटर्स इन इंडिया, 6 सेंटर्स इन इंडिया, अलग अलग स्टेट्स में इनके 6 सेंटर्स हैं. नेक्स्ट इज द FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. नेम से हमें बहुत कुछ पॉइंट्स हैं जो समझ आ रहे हैं. फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज हम फूड के साथ डील कर रहे हैं एंड वी नो कोई अगर अच्छा खाना खाएगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी. तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव है लोगों को अच्छा खाना प्रोवाइड करना, कैसे करेंगे जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के कारण. तो मेन जो टारगेट है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, बिकॉज एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होगी तभी जो है लोगों को हर किसी को खाना मिल पाएगा एंड अमंग पीपल जो माल न्यूट्रिशन है वो कम्प्लीटली वैनिश हो सकता है. सो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इट कलेक्ट्स द डेटा एंड रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द फूड एंड एग्रीकल्चर. और उसके साथ साथ FLCA की इरीगेशन, अगर मैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करूँ तो सॉयल की क्वालिटी को एनहांस करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू द फार्मर, ताकि फार्मर जो है वो क्रॉप को अच्छे से ग्रो करवा पाए, राइट. एंड इसके अलावा FLCA की अगर नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ के कारण फील्ड का नुकसान हो गया है, सो इन दैट केस ऑल्सो टू सम एक्सटेंट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ हेल्पिंग द फार्मर्स. सो ओवरऑल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के थ्रू फूड प्रोवाइड करना लोगों को इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है. पहले एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, अच्छी फसल होगी, अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे लोगों को, देन ऑब्वियसली लोग जो हैं वो बीमार नहीं होंगे, उनके अंदर माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट. एंड नेचुरल सोर्सेज का कंजर्वेशन, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में फाइल स्पेसिफाई कुछ पॉइंट्स, द वाटर, लैंड, सॉयल कंजर्वेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू द फार्मर्स, प्रमोशन ऑफ दी FLCA, दी ऑर्गेनिक फार्मिंग. तो वो सारे पॉइंट्स जो हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में वी विल इंक्लूड. एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के थ्रू ही फूड की ग्रोथ एंड टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू अमंग द पीपल, ताकि हर किसी को खाना मिल सके. अवेलेबिलिटी ऑफ फूड अमंग पीपल, ताकि उनके अमंग जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उनके ऊपर फोकस किया जाए और लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम्प्लीटली वैनिश कर दिया जाए. नेक्स्ट फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन इज NIN. NIN, it is the National Institute of Nutrition. This institute is located in Hyderabad. This institution is located in Hyderabad. Now, we should know this is the National Institute of Nutrition. So again, nutrition
के रिलेटेड ही इनका काम है. इन्होंने टारगेट एरियाज़ ढूंढने हैं कि लोगों में कहाँ प्रॉब्लम है, कौन कौन सी डेफिशिएंसीज़ हैं. तो फर्स्ट जो इनका टारगेट है या फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इस इंस्टीट्यूशन का, टू एनालाइज द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज अमंग पीपल. लोगों के अंदर जो है जो न्यूट्रिशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको एनालाइज करना और उनको स्टडी करना, एंड रिगार्डिंगली उनके हर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग फिर लोगों को बताना कि अगर मैं बात करूं कि किसी के अंदर लेट्स सपोज विटामिन ए डेफिशिएंसी है, राइट, देन ऑलरेडी उसके रिलेटेड रिसर्च हो चुकी है कि उसको नाइट ब्लाइंडनेस है, उसको आइज के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है. सिमिलरली जो भी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं लोगों के बीच, उनको असेस करना इस ऑर्गेनाइजेशन का एक काम है, टू असेस न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स अमंग पीपल. उसके बाद दे ऑल्सो डेवलप द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, कि अगर किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, भी माल न्यूट्रिशन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, देन टू मेक प्रिवेंटिव मेजर्स और फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम. अलॉन्ग विद इट दिस इंस्टीट्यूशन ऑल्सो विल से डू अ लॉट ऑफ रिसर्च प्रोग्राम्स टू असेस एज वेल एज टू मेक द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर द स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम. To carry out research related health issues among people. Because through the research in detail the scientists will let us know, और फिर ही वो conclusion निकालते हैं कि ये क्या problem है and how it can be completely vanished among the population, के लोगों में से इस problem को कैसे completely vanish किया जाए, राइट. और इसके साथ साथ दे ऑल्सो स्टडी वेरियस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज Along with it, they also provide training to the people who handle the research part as well as who handle the, if I'll say, health survey programs. So they train the people to provide training the workers regarding research and health survey. रिसर्च एंड हेल्थ सर्वे, लोगों में हेल्थ सर्वे होता है तभी पता लगता है कि उनमें क्या प्रॉब्लम है. सिमिलरली किसी प्रॉब्लम के रिलेटेड रिसर्च के लिए इनिशियल स्टेजेस पर दैट उस रिसर्चर को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है. सो दिस ऑर्गेनाइजेशन विल डू दैट पार्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो परफॉर्म द क्लिनिकल सर्वेज, जिसमें इफ एल से कि लेट सपोज कोई बीमारी है, वो प्रॉब्लम जो है किसी डेफिशिएंसी के कारण है, तो क्लिनिकल सर्वे की हाउ वो मेडिकली कैसे क्योर की जा सकती है, मेडिकेशन की हेल्प से, उसके साथ साथ खाने की हेल्प से कैसे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर टारगेट करके उसको लोगों में से कम्प्लीटली वैनिश किया जाता है. सो दिस इज़ द वर्क ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. आई होप आपको इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो भी हम कर रहे हैं वो अच्छे से समझ आ रहा है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ दी सी एफ टी आर आई. सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. I
एंड दिस इज़ लोकेटेड इन मैसूर. एज अ नेम सजेस्ट इट इज़ अ टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट. सो दिस इंस्टीट्यूशन ऑल्सो इट परफॉर्म द रिसर्च programs related to the nutritional deficiency among people and related to the specific health related issue among the people. So ye jo institution hai, it perform research work related to health issue. और आई हैव टू स्पेसिफाई न्यूट्रिशनल प्रोग्राम प्रॉब्लम्स न्यूट्रिशनल बिकॉज अगर किसी के अंदर कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम होगी किसी न्यूट्रिएंट के कारण डेफिशिएंसी है ओवर न्यूट्रिशन है या माल न्यूट्रिशन है तो उसके कारण प्रॉब्लम तो होगी ही तो पर्सन को हेल्थ इश्यू तो होगा ही. न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स अमंग पीपल तो स्पेसिफिकली उस प्रॉब्लम के ऊपर जो रिसर्च वर्क है इट इज़ डन बाय दिस इंस्टीट्यूशन ऑल्सो. तो उससे ही रिसर्च वर्क से ही दे विल कंक्लूड कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है और उसको कैसे सही किया जा रहा है. सो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस अपना अपना काम कर रहे हैं एंड इन रिटर्न व्हाट दे आर डूइंग ये हमारी ही हेल्प कर रहे हैं लोगों की ही हेल्प कर रहे हैं ताकि लोगों को गाइडेंस मिले लोगों को पता लगे कि अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखा जाता है. इन वेरियस एजेंसीज के कारण ही अभी तक जितने भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के बारे में पता लगा है वो इन्हीं के रिसर्च वर्क के कारण है. अपार्ट फ्रॉम दिस इफ आई से ICMR एंड WHO इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च and WHO World Health Organizations they are one of the top or the superior organizations. What they are doing, they are also doing a lot of work for the wellness or the for the well-being of the people. If I'll say jab humne health ki ek will say ki healthy person ke bare mein humne definition ki isi, so that definition was given by WHO, that is World Health Organization only. So ye organization and as well as if I'll say this is the international organization. And Indian Council of Medical Research is the national organization. And what they are doing? They are also doing a lot of research work. They are also doing health survey to assess the nutritional deficiencies among people. And they are also doing work ki kaise kisi problem ko cure kiya jaye, kaise uske liye specific treatment start kiya jaye. So that all work is done by this organization also. Agar main ICMR ki baat karun, jo humara recommended dietary allowance hai, it is decided by the ICMR, the one of the work. So I'm erasing this WHO. So this organization is also doing the study nutritional deficiencies among people and they also do the research work. And I need to specify one thing, ICMR, RDA, recommended dietary allowance, decided by ICMR, decided by this organization. Recommended dietary allowance for the micronutrients as well as the macronutrients. It has been decided by the ICMR. How? Because वो भी time to time diet survey conduct करते हैं. So conduction of survey, health survey. So this is how these organizations they are working for the well-being of people and for the well-being of community. ताकि जो लोग हैं लोगों में
FLSA की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ वो कम्प्लीटली वैनिश हो जाए, उनकी हेल्थ जो है अच्छी रहे, लोगों को एडुकेट किया जाता है वो अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करने के लिए. एंड इन फ्यूचर बीइंग अ डाइटिशियन यू गाइज विल ऑल्सो डू द सेम थिंग. आपको पहले नॉलेज होगी तभी आप अपनी नॉलेज की हेल्प से किसी की हेल्प कर पाओगे. सो दैट इज़ वाई आपको इन एजेंसीज़ के बारे में पता होना भी बहुत ज़रूरी था और प्रोग्राम्स के बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी था. सो आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ लग गया है. एंड अगर स्टिल आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन और आप मेंशनड मेल के ऊपर क्वेश्चन सेंड कर सकते हो. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक. थैंक यू.